नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉक देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दुनिया में बीमारियों उनके इलाज बचाव को लेकर नियम कानून बनाने वाली संस्था। इसने मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार को सुस्त करने के प्रयासों की तारीफ की है। WHO के मुखिया टेड्रोस एडनम ने 11 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर काबू पाने वाले देशों के कुछ उदाहरण दिए। इसी में उन्होंने धारावी का नाम लिया। WHO के मुखिया ने कहा कि कुछ उदाहरण हैं जैसे इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और धारावी। यहाँ पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और इलाज को लेकर सभी लोगों पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर जो भी लोग बीमार थे उन सब पर नजर रखी गई। इससे संक्रमण फैलने की कड़ी तोड़ने और वायरस को काबू करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि हर देश की काम करने की एक लिमिट होती है, लेकिन एकजुट होकर और तेजी से काम करके कामयाबी पाई जा सकती है। धारावी मुंबई का झुग्गी बस्ती इलाका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। यहाँ पर शुरुआती दिनों में कोरोना के मामले तेजी से आए थे। धारावी को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थी। WHO की पहले केंद्र सरकार में भी कोरोना से लड़ने में धारावी मॉडल की तारीफ की थी। उसने BMC की तारीफ करते हुए कहा कि सक्रियता से उठाए गए कदमों के चलते संक्रमण की दर कम हुई है। अप्रैल में यह दर 12% थी, यानी 100 में से 12 लोगों में कोरोना वायरस मिल रहा था, लेकिन जून में यह दर 1.02% ही रह गई। अप्रैल में यहां पर 18 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब यह अवधि 430 दिन की हो गई है। 10 जुलाई को यहां पर कोरोना के केवल 12 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार BMC ने 4 T पर काम किया। ट्रेसिंग, किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना जिससे कि बाकी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। ट्रैकिंग, कोरोना के मामलों पर लगातार नजर रखना। किसी इलाके में मामले आने पर वहां मौजूद लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करना। टेस्टिंग, कोरोना के लक्षणों वाले लोगों, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का टेस्ट करना। ट्रीटिंग, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करना, उन्हें आइसोलेशन में रखना जिससे बाकी लोग संक्रमित ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हाई रिस्क वाले मरीजों जैसे बुजुर्गों के लिए फीवर क्लिनिक बनाए गए। इससे 3,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग में मदद मिली। साथ ही करीब 8,246 बुजुर्गों को समय रहते बाकी लोगों से अलग कर लिया गया। इससे दूसरे लोगों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैल पाया। BMC के जी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर किरण धिगावर ने PTI से कहा कि मरीजों के अस्पताल आने का इंतजार नहीं किया गया। इसके बजाय स्वास्थ्य कर्मचारी खुद ही संभावित मरीजों के घरों पर गए। इसके चलते समय से मरीजों की पहचान हो गई, फिर उन्हें समय पर इलाज मिला और वे ठीक हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 6,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 14,000 लोगों के टेस्ट हुए और 13,000 लोग सरकारी क्वारंटीन में रखे गए। इन्हें फ्री दवाएं और खाना दिया गया। साथ ही 14 दिन के अंदर एक 200 बेड का अस्थायी अस्पताल खड़ा कर दिया गया। धारावी में घर में क्वारंटीन होने की सुविधा लगभग नामुमकिन है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया। यहाँ आबादी काफी घनी है, साथ ही बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ पर 80% आबादी सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करती है। ऐसे में BMC ने एक दिन में कई बार इन शौचालयों की सफाई और उन्हें सैनिटाइज किया। इससे भी संक्रमण की रफ्तार कम करने में मदद मिली। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।